हेलो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ़ द अल्ट्रा एज पॉडकास्ट मैं हूँ रोहन नदीम आज के जो मेरे मेहमान हैं इन्होंने पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट किया है दो इंडियाज़ और पांच टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप्स खेले हैं और इनके करियर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं बहुत से लोगों ने इनके बारे में बहुत सी बातें की हैं और अभी तक करते हैं इन्होंने हमेशा उन बातों को Uh, काफ़ी खामोशी से अक्सर uh, और एक मुस्कुराहट के साथ सुना है और uh, आज हम उनको मौका दे रहे हैं अपनी बात कहने का मेरे साथ uh, मौजूद हैं टेस्ट कैप नंबर 172 जर्सी नंबर 23 कामरान कामरानकम साहब कामी भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट थैंक यू वेरी मच इंट्रोडक्शन आई होप ठीक दिया हो मैंने आपका लेकिन मैंने ये बात ज़रूर कहनी थी कि आपके बारे में इतनी सारी लोग बातें करते हैं आज आपके पास मौका है आप हमारे से अपने दिल की बात करें जो भी आपकी जर्नी रही है पहले तो ये बताएं कि कैसा फ़ील हैं एट दिस पॉइंट इन योर करियर और वैसे ओवरऑल बताएं हाउ डू यू ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है रोहा और मैं जितना अल्लाह का शुक्र है अदा करूँ उतना कम है और अपनी फैमिली का मेरे पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे खिलाया मौका दिया और पूरा सपोर्ट किया और मेरे वाले साहब ने जैसे मुझे लेके जाते रहे हैं और खिलाते रहे उनकी ख्वाहिश थी हम भाइयों में से कोई एक क्रिकेटर बने पाकिस्तान टीम के लिए खेले तो अल्लाह ने वो ख्वाब पूरा किया और अब तो तीन तीन तो है एक घर में बस देख लें तो ऐसे ही रास्ते बनते हैं और मेहनत तो और पैशन के साथ खेली है और बाकी जो आपने तारुफ करवाया लोगों का वो मेरे दिल से पूछे ना आज ही पूछने बस चलता रहता है ये देखें कोई भी क्रिकेटर या एथलीट कोई भी हो नेगेटिव बातें चलती रहती है और उनको हम सोचना शुरू कर देंगे या इतना माइंड में लेना शुरू कर देंगे तो फिर तो वो काम हम खेल नहीं सकेंगे ना तो इसलिए उसको जितना इग्नोर करें उतना अच्छा ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे इनको बस देखते रहें ये बोल बोलते जाएंगे जैसे अब मैं मिसाल क्या दूँ अच्छा <laughs> नहीं लगता है लेकिन खैर छोड़ दें उनके हाल पे अल्लाह उनको हदायती दे यही बात कह सकता हूँ और अपने काम की तरफ फोकस करना चाहिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है चलिए ये नेगेटिविटी से थोड़ा पीछे जाते हैं बिल्कुल उस टाइम पे जब आपने क्रिकेट खेलनी शुरू की और आपने अपने वालिद साहब के ख्वाब के बारे में बताया आपको ये पर्सनली ये ख्वाब कब आपने कब देखा कि मैं प्रोफेशनली पाकिस्तान के लिए क्योंकि आप तो अंडर 16 खेले हुए हैं और आप उस रूट से आए हुए हैं टीम के अंदर रोहा ये अंडर 16 का जो है ना मेरा खेलना इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो बस आप सोच नहीं सकते उसकी स्टोरी मैं अगर बताऊं अगर बताँगा। टाइम है तो बिल्कुल है टाइम बहुत है। तो स्कूलिंग तो इतना हम लोग जाते नहीं थे भागते रहते थे क्रिकेट खेलते रहते थे स्कूल से भी भागते हुए भाई और टीम मोहल्ले के लड़के तो हमारा लोहे का काम था तो भाई मुझे ले जाते थे वाले साहब ले जाते थे काम करवाते थे मुझसे तो मैंने कहा यार इस काम से कैसे मैं जान छुड़ा और ऐसे अंडर फिफ्टीन के ट्रायल हो रहे थे एल के के और अजहर खान साहब और ये ले रहे थे तो जा रहे थे तो मैंने कहा यार यही मौका है चले चलते हैं जान छूट जाएगी काम से क्रिकेट खेल लेते हैं <laughs> तो ऐसे ए ट्रायल देने गया मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गया तो वो उस चीज़ को फिर मैंने कंटिन्यू रखा ऐज़ प्रोफेशनल मैंने बना लिया फिर वाले साहब मुझे ढूंढ रहे हैं कि मैं घर गया हुआ हूँ भाई के चीज़ें लेने गया हुआ तो अभी तक पहुंचा नहीं है तो किसी ने बताया वो तो ग्राउंड में खेल रहा है एलसीसी सी ट्रायल दे रहा है तो फिर मेरे वाले साहब मुझे देखने आए हैं कि वहाँ पर क्या करने गया हुआ तो वहाँ पर पहुँचा हूँ तो सेलेक्ट हो गया हुआ था तो ख़ान साहब ने मुझे कहा अबू को कि आपका बेटा अच्छा खेलता है तो इसको खेलने दें आप तो फिर वाले साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फिर वाले साहब खिलाते भी थे हमें ये चाचा वगैरह वाले साहब वगैरह टेनिस बॉल खेलने जाते होते थे तो मुझे साल लेके जाते होते थे मैं सिर्फ कीपिंग कर रहा होता था फील्डिंग कर रहा होता था या पानी पर रहा होता था इतना शौक, इतना बस शौक था मुझे तो कीपिंग का शौक फिर आपको उसी इसलिए पड़ा है कि वो जाते थे बारी तो देते नहीं थे और कीपर मुझे खड़ा कर देते थे वहां पर बॉल कम ही आती है टेनिस बॉल में टेबॉल में तो बस इसलिए खड़ा कर देखिए तो बस बॉल फेंक दे चली जाए बीट हो अच्छा। जाए तो बॉल फेंक दे रन से कोई नहीं होता था अच्छा। सिर्फ रन सामने ही होते थे ऑफ साइड सामने आपको बस ऐसे खड़ा तो किया तो कि बस ये या बस बॉल फेंकने के लिए अच्छा। तो ऐसे क्रिकेट खेली है फिर ऐसे अंडर फिफ्टीन में सेलेक्ट हुआ तो ऐसे फिर गया तो फुल टाइम खेलना शुरू कर दिया तो टीम में जब आपका नाम आया उस टाइम पर आपने क्योंकि ज़ाहिर आप आपने अपने लिए एक पाथ तो बनाया होगा कि अच्छा चलो मैंने अब अंडर सिक्सटीन खेला है अब नेशनल भी खेलूँगा और इस तरह मेरा एक पाथ बनेगा जब आपका डेब्यू हुआ टेस्ट टीम में जब आप खेले उस टाइम पे उस एज में जब आप उस टीम का हिस्सा बने और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे उस टाइम पे और वो एक, वो बताएं मेमोरी अपनी कि थोड़ा नर्वस थे या अपने आप में कॉन्फिडेंट थे कि मैं जिस स्पेस पे आया हूँ मेरे स्टैट्स हैं मेरा पूरा एक एक्सपीरियंस जितना है रोहा मैं ऑनेस्टली तो बताऊँ जब मैं अंडर 15 खेल के आया था ना मैंने मेरे जेन में ये नहीं था कि मैं पाकिस्तान इतनी जल्दी खेल जाऊँगा मेरे जेन में पता क्या था उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल ये था कि यार मैं लाहौर की तरफ से ना खेलूँ जब मैं अंडर फिफ्टीन खेल के आया था इतनी ज़बरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी उस टाइम डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी नाम ठीक ठाक चलता था जो खेलता था उसको पहचानते थे लोग देखने आते थे तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लाहौर की तरफ से भी खेलूँ तो लाहौर से मैं खेल रहा हूँ आमिर याद रोकड़ी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे उन्होंने मुझे खिलाया आमिर मलिक आ, कप्तान होते थे लाहौर के उन्होंने मुझे मौका दिया फिर रहमान के भाई तारक रहमान होते थे वो खिलाते थे तो उन्होंने देखा मुझे बैटिंग करते हुए अंडर फिफ्टीन खेल के आया था मैं था तोफीक उमर था तो हमें खेलते हुए देखा तो उन्होंने हमें खिलाना शुरू किया मौका दिया तो वो दो टीमें बनती थी लाहौर की तो वो जब मैं खेला हूँ ना सिर्फ दो मैच मेरा डेब्यू हुआ दो मैच मैं खेला उस वक्त लाहौर के सिलेक्टर होते थे अली ज़िया अफज़ाल भट शफीक पापा था वो ये इन्होंने मुझे मौका दिया खिलाने का उस वक्त एस एन रजा जो अभी हमारे टेस्ट अम्पायर हैं और आई सी में भी चले गए हैं वो विकेट कीपर होते थे अच्छा। रेगुलर खेलते थे लाहौर की तरफ से तो मुझे मौका दिया रेमियार खा मेरा डेब्यू हुआ डोमेस्टिक है तो आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त मुझे इतनी खुशी थी कि मैं सो नहीं सका था और इतना शौक था कि मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ डोमेस्टिक मैच खेल रहा हूँ उस टाइम पे फाइनेंशियल कैसा तरह वो आपको कॉम्पनसेट करते थे उस वक्त तो अच्छे पैसे मिलते थे कुछ भी, भी नहीं था, था। उस वक्त सिर्फ तीन टाइम का खाना मिल जाता था अच्छा, नो मैच फी कोई मैच फीस नहीं थी कोई डेली अलाउंस नहीं था डेली अलाउंस भी सारी टीम ही जाती थी रात को खाना खाती थी फिर भी आपका ड्रीम था कि क्या मैं तो उस वक्त तो इतने नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन की बात कर रहा हूँ इतनी वैल्यू नहीं होती थी उस वक्त यही होता था कि बस क्रिकेट मिले किसी तरह मैं डोमेस्टिक मैच खेल लूँ अच्छा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लूँ ये तो अब आके इंटरनेशनली डोमेस्टिक में पैसा आना शुरू हो गया जब लीग्स वगैरह बननी शुरू गया गया हो गए दो हज़ार आठ के बाद आप देखें लेकिन यह है कि उस वक्त ये एम होता था कि डोमेस्टिक खेलनी है और डोमेस्टिक में परफॉर्म करना ये ये नहीं होता था कि मैंने सिर्फ एक मैच खेलना तो पाकिस्तान टीम में चले जाना या टी ट्वेंटी खेलना तो पाकिस्तान टीम में चले जाना उस वक्त ये नहीं होता था एक प्लेयर्स हर प्लेयर्स का ये होता था कि अब मैं अंडर फिफ्टीन अंडर नाइनटीन खेल अंडर नाइन्टीन में तो बिल्कुल ही जगह नहीं बनती थी उस वक्त हम भाई शकील ये खेल रहे होते थे तो मेरा तो कहीं पर भी नाम नहीं आता था एक बार आने लगा था ऑस्ट्रेलिया वो भी सुबह तक नाम था रात को देखा जब टीम अनाउंस हुई है तो ईशान आ गया ईशान मलिक कराची का था मैंने कहा अंडर नाइनटीन खेलनी नहीं है मैंने अब डोमेस्टिक खेलनी है तो फिर ऐसे पाथवे चला लाहौर से दो तीन मैच खेला फिर नेशनल बैंक ने ले लिया मुझे तो वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ क्रिकेट ऐसे खेलेंगे तो मेचोरिटी भी आएगी अच्छे भी होंगे पता भी चलेगा तो नेशनल बैंक और लाहौर ने बेसिकली ये रोड प्ले फाउंडेशन तो खैर गली मोहल्ले में बन जाती है क्लब क्रिकेट में बन जाती है लेकिन जो क्रिकेट जो एक पाथवे बनता है ना वो ऐसी क्रिकेट खेल के बनता बनता जो एक प्लेयर्स को पता चल जाता है और ये आजकल के काफ़ी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो आपकी जनरेशन और उससे पहले भी वो काफ़ी ये बात करते हैं Uh, अब के क्रिकेटर्स के बारे में कि जिस तरह आपने बात की कि एक मैच खेल के टीम में आ गया आपको लगता है अब बहुत आसान हो गया है फॉर प्लेयर्स टू बी टू बिकम पार्ट ऑफ द लाइम लाइट एंड बी सेलेक्टेड क्योंकि एक वो वर्ड जो हफीज़ भाई हमारे पॉडकास्ट पर आए थे उन्होंने ये बात की थी एक रगड़ा जो प्लेयर्स को लगता है उसके बेस फिर आप टीम में आते हो आज कल आपको लगता है ये, ये यंग प्लेयर्स को नई आदत रगड़े की रोहा आप क्रिकेट कब से कवर कर रही है छः सात साल हो गए छः सात साल हो गए कभी प्लेयर्स को देखा अपने स्टैट्स देखे हैं, किसी का एक सीजन भी पूरा खेला हो उसकी सिलेक्शन हुई हो नहीं हुआ ना तो हमने चार चार साल खेले हैं डोमेस्टिक हर फॉर्मेट हाँ जी तो यही उस टाइम के प्लेयर्स भी कुछ लंबी क्रिकेट खेलते थे आप देखें कि मौका ही नहीं मिलता था मौका भी नहीं मिलता था आप देखें कि कॉम्पिटिशन कितना होता था और क्रिकेट का लेवल बहुत ज़बरदस्त था और पाकिस्तान की क्रिकेट को जो डिपार्टमेंट क्रिकेट ने संभाला हुआ था ना वो मैं बयान नहीं कर सकता जो उन्होंने प्लेयर्स दिए हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट ने रीजन क्रिकेट ने उस वक्त जो रीजन क्रिकेट होती थी सेपरेट होती थी डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई तो रीजन क्रिकेट में आ गया कंपटीशन देख के कितना होता था प्लेयर्स कितने बड़े बड़े वसीम भाई वगैरह खेल रहे होते थे इंजी भाई वगैरह खेल रहे होते थे ये सारे प्लेयर्स इकॉनमी चल रही होती थी और प्लेयर्स ऐसे ही बनते थे जब कॉम्पिटिशन आता था लेकिन यहाँ पे अब रगड़ा नहीं है अब तो आप घर से बाहर निकलते हैं तो पता चल जाता है पाकिस्तान टीम में नाम आ गया या दो दिन पहले दो दिन के बाद उसकी बर्थडे आती है तो पता चलता है उसका नाम आ गया केक काटने के लिए तो ये काम तो हो रहे हैं यहाँ पे और पीएसएल की क्या नाम है आप देखें पीएसएल जब से आया नो no डाउट पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है लेट आया पी शुरू लेट हुई है लेकिन पी की वजह से जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो बड़ा गलत हुआ है प्लेयर्स बनने नहीं दे रहे जो अभी बात की है रगड़ा की वो रगड़ा लगने नहीं दिया प्लेयर्स को तो जिसका नुकसान है फिर आप उस... उसका नुकसान फिर किसको ज़्यादा होता है प्लेयर को ज़्यादा होता है टीम को ज़्यादा होता है ओवरऑल देखिए ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान होता है और प्लेयर्स को तो होता ही है जब आप आठ दस साल खेलते हैं पी में एक दो इनिंग्सें नज़र आती हैं रनस की हैं या फास्ट बॉलर्स को नज़र आ जाता है कि वन फाइव प्लस उसने बॉल कर दिया या वन फोटी प्लस कर दिया तो वो जो आठ दस साल से वो खेल रहा होता है ना जिसके मेहनत होती है उसने इतना अचीव किया होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की तरफ से फिर उसको टारगेट बनाया जाता है भाई अब इसको लाना तो इसको कैसे साइड लाइन करना अब ये ऐसे चलता है काम तो ऐसे हो भी रहा तो इसलिए जो आठ दस साल खेलते हैं ना कोई वो ऐसे नहीं खेल जाते उन्होंने बड़ी मार खाई होती है और बड़ी मेहनत की होती है अपना नाम बनाने के लिए आप देखें पिछले चार पाँच साल से यही हो रहा है जो ज़रा सा प्लेयर्स मिच्योर होता है या सीनियर होता है उसके मतलब ऐसी डिबेट चलानी शुरू कर देते हैं कि उसको टीम से बस निकालो जो जिसने पी एस एल में दो इनिंग्स या दो छक्के मारे होते हैं ना उसको ले कर आए उसकी जगह तो इस वजह से नुकसान हो रहा है तो इसलिए प्लेयर्स का भी नुकसान है और पाकिस्तान की क्रिकेट का भी नुकसान है तो इसमें जो करता धरता करने वाले हैं ना जो पिछले दो तीन बोर्ड्स आए हैं जो चेयरमैन आए हैं जो सिलेक्शन कमेटी आई है उनका बहुत बड़ा हाथ है कमल अभी कुछ अर्सा पहले जब मैनेजमेंट थी सेठी साहब की तो ये भी एक रूमर आया था कि आपको एज चीफ सिलेक्टर हम देखेंगे ये रूमर था या ये रोहा ये उन्होंने अनाउंस किया था तो क्या जूनियर सिलेक्शन कमेटी का हाँ, मैं, मैं चेयरमैन था और सीनियर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया था मुझे Okay. तो जब बातचीत हुई है तो मैंने कहा था मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ए आर वाई के साथ मैं उसमें बिज़ी हूँ तो उसके बाद मैं देखूँगा लेकिन यह है कि मेरी पहले की कमिटमेंट है वो करूँगा लेकिन जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे मैं शायद ना करता दो दो तीन तीन महीने का मैं तो ऐसा अच्छा, कभी भी ना एक्सेप्ट करता उसमें तो फिर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग उस तरह से कर भी नहीं सकते हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है तो अच्छा ही हुआ मैंने कंटिन्यू नहीं किया मना कर दिया था लेकिन यह है कि मैंने उनको कहा था कि मेरा ज़्यादा फायदा सिलेक्शन कमेटी में नहीं है अगर फील्ड में लोगे तो ज़्यादा अच्छा यंग बच्चों के साथ जो एक जैसे मैं पाकिस्तान टीम में खेल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ एक प्रोसेस के साथ आया हूँ बिल्कुल एकदम से मैं पाकिस्तान टीम में नहीं आया तो मैं इस लाइन में अगर आऊँगा ना तो ऐसे मेरा फ़ायदा होगा तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ और यंग बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो मैंने सीखा बड़ों से जो इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेला हूँ उनके ख़िलाफ़ खेला रहा हूँ वो क्या उनकी मैंटेलिटी होती थी कैसे जब तीस पे चार आउट हुए हो पांच आउट हुए हो, वो प्रेशर कैसे हैंडल करना है कैसे खेलना है वो प्लेयर्स जैसे इंजी भाई हम उनके साथ खेले हैं यूनस भाई युसुफ़ भाई इनकी वो जो बॉडी लैंग्वेज थी उस वक्त जब अंदर जाते थे वो ज़्यादा बात बताने वाली होती है यंग प्लेयरों को क्या मेन्टेलिटी होती है ये नहीं है कि आप सिर्फ़ एक किताबी क्रिकेट की तरह कोचिंग करें आजकल का वो जमाना नहीं, नहीं है क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई हुई है तो अब उनको बच्चों को ये बताना होता है कि आपने मैच को कैसे लेके चलना प्रेशर ले खेलना है। तो वो एक वही बता सकता है जिसने 10-12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, खेली हो तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ ऐसे प्लेयर्स लगाने चाहिए जिनका फायदा हो यंग बच्चों को फायदा भी हो अच्छा आपने इतने कैप्टन के अंडर खेला है आपका माशाल्लाह इतना वास्ट करियर रहा है तो भी आप बात भी कर रहे थे वो बड़े बड़े प्लेयर्स का आपने जिनका नाम लिया है वैसे आपने एज अ प्लेयर किसकी कैप्टनसी में खेलने को ज़्यादा इंजॉय किया देखिए हर कप्तान के साथ उसके मुताबिक ही खेलने जो वो प्लान देते थे हर कप्तान की अपनी मेंटालिटी होती है टीम को कैसे लेके जाना उसकी क्या प्लानिंग है कैसे उसने कैप्टेंसी खेलनी कोशिश की है कि वैसे ही डिलीवर करे जैसा कप्तान चाहता है तो लेकिन जितना अरसा मैं इंजी भाई के अंडर खेला हूँ ना तो बड़ा रिलैक्स बड़ा इंजॉय किया तीन साढ़े तीन साल उनके अंडर खेले हैं टीम भी परफॉर्म करती रही है टीम में इतनी छेड़खानी नहीं होती थी अच्छा, लड़के हाँ। आ, वो के लड़के हर सीरीज में नए लड़के आ रहे हैं या वो द, बैक करते थे बैक करते थे प्लेयर्स को आप देखें कि मुझे याद है यूनुस भाई टीम का हिस्सा नहीं थे श्रीलंका टीम आई हुई थी दो में फैसलाबाद में जयसूर्या ने दो किया हुआ था ठीक ठाक फेंटा दिया हुआ था तो भाई नहीं खेल रहे थे टीम से इन आउट हो रहे थे तो आशिम कमाल खेल रहा था तो ऐसे ही भाई को उन्होंने खिलाया और फिर सौ किया यूनस भाई उसके बाद रुके नहीं दस हजार रन कर दिए उन्होंने तो ये एक चीज़ होती है किसी कप्तान से बाकी ने सब ने बड़ा सपोर्ट किया यूनस भाई ने बड़ा सपोर्ट किया ठीक है उनके अपने प्लान्स होते थे भाई के साथ भी बड़ा अरसा रहे हैं जिसका आपने मैंटेलिटी आपकी मैच ना हुई हो क्योंकि सुनने में तो बहुत सारी बातें आती रही हैं बाहर लेकिन आपकी पर्सनली क्योंकि ये तो बड़ी नेचुरल बात है ना ज़रूरी नहीं है कि जो कप्तान हो उसका हर प्लेयर के साथ हंड्रेड परसेंट अग्रीमेंट हो हर बात पे वरना फिर वो किस तरह का लीडर हुआ अगर उसने हर किसी को प्लीज़ करना है खुश करना है तो कभी कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि मैंटेलिटी मैच ना आपकी कर पा रही हो एक कैप्टन के साथ और उसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किस नंबर पर आप बैटिंग करेंगे या आपका बिहाइंड द विकेट आपका क्या रोल होगा

एक होता ना कि टीम को लेके चलना लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ऑफ दी ग्राउंड और जब मीटिंग होती थी वो पूरा सपोर्ट करते थे मौका देते थे खिल लेकिन ग्राउंड में वो थोड़ा कम ही सुनते थे अपनी करते थे उनके अपने प्लान मैंने कहा ना हर कप्तान के अपने प्लान होते हैं उसने टीम को कैसे ले कर चलना किस बॉलर्स को कैसे करवाना तो ये चीज़ें चलती हैं सेमीफाइनल था नोटिंगम में तो आप साउथ अफ्रीका के साथ था उस टाइम दस बारह रन की एवरेज से स्कोर करना था साउथ अफ्रीका ने कैलस और जे पी डुमनी खेल रहा था तो अभी आमिर के ओवर पड़े हुए हैं उमर गुल के हैं रज़ाक के हैं तो उन्होंने फवाद आलम का ओवर करवा दिया <laughs> तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा हाल क्या होगा कुछ हो? ना कुछ तो सोच के दी होगी उन्होंने बहुत तो कुछ ना कुछ सोचा तो हमने कहा ना हमने बड़ा कन्विंस किया मिसबा और शेम मलिक वो मिड ऑफ और मिड ऑन पर खड़े हुए हैं वो मुझे आवाज़ें दे रहे हैं कि हम लोग ये रस्से के अंदर खड़े हों या क्राउड में चले जाए <laughs> तो ये ये ऐसा वो सीन था लेकिन खैर उन उनका प्लान था शुक्र अब बारह रन ही हुए हैं से। अगर उसको बाईस तो नौ का वर्ल्ड कप हमारे हाथ में ना आता तो ऐसी चीजें थी वो एकदम से ऐसा कोई डिसीजन लेते थे कि कोई समझ नहीं आती उसी वर्ल्ड कप में फिर नदरलैंड के साथ एक दिन पहले पांच छह प्लेयर जो सीनियर्स थे वो बैठ कर डिसाइड करते थे तो रन रेट पे हम लोगों ने जीतना था वो वाला मैच जी तो मीटिंग हुई तो आपको पता कि टॉस हैं पहले बॉलिंग ही करते हैं जब रन रेट आपने क्या नाम है मैनेज करना और जीतना और अच्छे रन रेट के साथ फिर क्वालीफाई करते हैं तो उन्होंने टॉस वो डिसाइड किया हुआ कि बॉलिंग करेंगे टॉस जीते तो उन्होंने बैटिंग कर ली तो हमने सर पकड़ लिया कि ये रात को बात क्या? क्या हुई तो फिर वो के, हमने पूछा दो हजार नौ के हाँ, दो हजार नौ की वर्ल्ड कप की बात है आप उमर चेंज कर ड्यूरिंग मैच डे पे उन्होंने चेंज कर ली थी लेकिन ये है कि उनके अपने प्लान्स है तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है आप खेलो आपका काम नहीं है ये अच्छा ठीक तो है आप कप्तान है करें आप जो करना है। लेकिन हम लोगों ने शुक्र है वो अच्छे रन रेट से जीता जीता वो हम लोगों ने कोई वन सेवनटी प्लस किया था उनकी टीम भी अच्छी थी उन्होंने इंग्लैंड को हराया हुआ था तो कोई तीस पैंतीस रनस के मार्जिन से हम लोग जीते थे तो ऐसे जब डिसीजन होते थे ना तो समझ नहीं आती थी कि यार ये क्या हो रहा है तो ऐसे फिर वो हम लोग थोड़ा सा हुए फिर हमने कहा ठीक है यूनस भाई के अपने प्लान्स हैं जो वो कप्तान है ए प्लेयर्स हम लोगों को वो इम्प्लीमेंट करना हमने उस पर पूरा जाना है, जो वो दे लेकिन ये है कि जब वैसे आते थे, थे थोड़े तो हरा, अब, हम हरान अब मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम मैंने बात की है ये वाली और तो और फिर हम कैसे वो वर्ल्ड कप जीते हैं हमने साउथ अफ्रीका को को हराया फिर न्यूजीलैंड इतनी स्टार्ट तो अच्छा ही नहीं हुआ था इंग्लैंड से भी हार गए हुए थे न्यूजीलैंड से भी हार कौन से वर्ल्ड कप में स्टार्ट काफी अच्छा होता है हमारा हम जीत जाते हैं हमारा सिर्फ स्टार्ट अच्छा हुआ तो दो 2007 वर्ल्ड कप फिफ्टी हम उसके बारे में ना अभी <laughs> थोड़ा के बात करेंगे नहीं वो स्टार्ट हुआ तो खत्म हो गया तो बस इसलिए वो हमारा मैं समझ रहा हूं कि ऐसा... क्या हुआ था वो उस मैच में क्या हुआ था आयरलैंड वाले मैच में उसमें हुआ कुछ नहीं है बारिश हुई है सारी रात छोटे कुदरत का ही निजाम था ना जिसको अभी हम इतना कर रहे हैं जब हम जीत रहे होते हैं नहीं देखे वो बस ऐसे ही है कि उस उस वर्ल्ड कप में एक तो नुकसान हमें शुब अख्तर का भी हुआ था मोहम्मद आसिफ का भी हुआ था इंजरी की वजह से फिर शायद भाई पे बैन था दो मैचेस साउथ अफ्रीका पहले टूर था तो ये तीन प्लेयर एकदम से साइड पे हो जाए जो मेन है तो नुकसान तो होगा फिर ये प्रेशर आ गया था फिर टॉस हार गए हुए थे इतना मवच्छर था वो उनके मीडियम पेसर थे उन्होंने बिल्कुल ही टीम को साइड कर दिया तो बस यही कह सकते हैं कि हम लोग अच्छा नहीं खेले थे आईलैंड नो डाउट एक नई टीम थी हमारी टीम एक दो तीन प्लेयर्स ना खेलें तो ये लेवल नहीं है कि हम लोग अच्छा ना खेलें तो बस उस टाइम यही बोलूँगा बुरा दिन था लेकिन ये है कि टीम जैसे जेल थी जैसे खेलती हुई आ रही थी तीन साल से ये वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए एम बनाया हुआ था वो बड़ा ज़बरदस्त था लेकिन एकदम से आपके मेन इवेंट है वर्ल्ड कप है तीन प्लेयर साइडलाइन हो जाए तो फिर इतना इजी नहीं होता टीम को लेके चलना फिर सारी रात बारिश हुई हो टॉस से पहले आप बिलीव करेंगे कवर उठाएं उन्होंने और मैच उन्होंने शुरू करवा दिया तो बस यही है क्या फीलिंग थी जब बाहर हुए टूर्नामेंट से और एक वापस जाके घर आपको ज़ाहिर है एक फ़ेस करना पड़ता है मीडिया को फ़ेस करना होता है फ़ैन्स को फ़ेस करना उस टाइम पे तो खैर सोशल मीडिया शायद इतना ज़्यादा एक्टिव उस टाइम पर मेरे ख्याल से उस टाइम होता तो शायद कब की फांसी उन्होंने दे देनी थी हम लोगों को पाकिस्तान के जितने फ़ैन्स हैं जितने गर्म हुए हुए थे और देखिए वो वो तो पाकिस्तान में आके तो बात की बात है जो हमारे वहाँ पे कोई दस बारह दिन जो गुजरे हैं ना वो बड़े तकलीफ़ वाले थे वो बयान नहीं कर सकते और फिर बॉब की डेथ हो गई थी मैच के बाद तो उसकी वजह से प्रॉब्लम अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में नहीं देखा ना मुश्किल टाइम गुजारा मैंने mentally, mentally, प्रेशर इतना कोई अपने रूम में सो नहीं रहा एक दूसरे के रूम में जाके बैठ रहे हैं सारी सारी रात वहीं पे सो रहे हैं तो फिर शहर से हम जमीका से शहर से दूर चले गए हैं हम लोग वहाँ पे हम लोगों को ले गए वहाँ पे रखा हुआ हम लोगों को कोई पाँच छः दिन तो ये अच्छा, बड़ा मुश्किल टाइम होता है तो बयान नहीं कर सकता लेकिन यह है कि फाइनली जब पाकिस्तान में आए तो थोड़ा स्कून मिला हम लोगों को आप अपने आप को एज अ विकेट कीपर कैसे रेट करते हैं क्योंकि आपके 453 फिफ्टी थ्री डिसमिस फॉर्मेट्स और ये कलम के भी इतने ही डिसमिस हैं लोग स्टैट्स को नहीं देखते लोगों को वो बातें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वही बातें याद रह जाती हैं जो गलतियाँ होती हैं और उसके बेस पे आपको लेबल कर दिया जाता जाए आप सिर्फ ये इंटरनेशनल बता रहे हैं फर्स्ट क्लास हाँ। के भी सारे टोटल करो डोमेस्टिक के सारे एशिया के में कोई भी नहीं है मेरे 900 प्लस आउट है तो एज अ विकेट कीपर एज अ विकेट कीपर ही मैं आया हूँ टीम में क्रिकेट स्टार्ट की है मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ बैटिंग की तरफ लग जाऊँ जैसे दूसरे प्लेयरों ने किया है बॉलिंग छोड़ के बैटिंग की तरफ आ गए हैं ओपनर हैं तो नंबर चार चार पे आ गए हैं मैं ऐसा नहीं हूँ और मैंने पैशन के साथ विकेट कीपिंग की है अपनी तरफ से पूरी हंड्रेड परसेंट दी है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो स्टैट्स हैं ना वो आप टोटल बताएं ना तो फिर लोगों को पता चले दो चार चीज़ें गलत हर किसी से होती हैं कोई जान के खुद खुद से थोड़ी कोई कुक करता है हो जाती है उस चीज़ को इतना को फैला देते हैं को कर देते, और बताया जाता है ऐसे नेगेटिव तरीके से तो वो लोग भी थोड़े से आपको पता है कि ऐसी सोच रखने वाले होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव बातों को ज़्यादा फैलाते हैं बात करते हैं मीडिया में कुछ लोग हैं हर कोई मीडिया नहीं हर कोई तो कुछ क्रिकेटर हैं ऐसे जो इस चीज़ को सामने रख के बात करते हैं तो इस चीज़ से मेरे ख्याल से घबराना नहीं चाहिए कि हर लड़के को वो अपनी कमिटमेंट लेवल अपना पूरा दे ये नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ का हिस्सा बस आप अप, अपने आप को उठा के रखें और अपने आप को मोटिवेट रखें सेल्फ बिलीव रखें तो इस टाइम से निकल जाएंगे बिल्कुल आपकी बात बहुत इंस्पिरेशनल है ये बात अब ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह आपने भी बोला कि जो क्रिकेटर्स हैं कुछ जो वो क्रिकेटर्स जो आपके साथ खेले हुए हैं और अब वो उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो टीवी पे आके अक्सर आपके बारे में भी बयान देते हैं या पुरानी बातों को उछालते हैं और फिर उन्हीं क्रिकेटर्स के साथ आपको मिलना होता है उठना बैठना होता है आप कैसे वो चीज़ ओवरकम करते हैं कि यार इस बंदे ने तो मेरे बारे में ये बात की थी कुछ व्यूज़ लेने के लिए और आज अब ये मेरे से फिर से हाथ मिला रहा है आप कैसे ओवरकम क्योंकि नॉर्मल इंसान थोड़ा सा तो ग्रज रखेगा अपने दिल में देखे अब मैं क्या इस पर बात करूँ उसको ख़ुद को शर्म होनी चाहिए मैं यही बोलूँगा एटलीस्ट वो अगर मेरे सामने आता है मैं उसको रिस्पेक्ट ज़रूर दूँ चाहे वो कोई भी है मैं उसके साथ मैंने उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है हम लोग एक साथ खेले हुए हैं वो भी दूध का दूल्हा नहीं होता मैं आपको एक बात बताऊँ मुझे भी पता होता मैंने भी दस बारह साल ड्रेसिंग रूम हर लड़के के साथ शेयर किया मुझे भी पता है वो क्या चीज़ें थी क्या नहीं लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है मीडिया पे आके एक दूसरे के मतलब नेगेटिव बातें करें अच्छा बुरा हर किसी के साथ होता है लेकिन यह है कि ये भी सोचना चाहिए कि कल को मिलना भी है और बैठना भी है मुलाकात भी रहती है तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अच्छी चीज़ आप उसका व्यू है ज़रूर करें लेकिन उसका कोई तरीकाकार होता है बताने का के नेगेटिव चीज़ को भी अपने तरीके से ऐसे बताए कि सुनने वालों को या देखने वालों को ये ना हो कि नहीं यार ये गलत है इसने गलत किया इसने चीट किया पाकिस्तान के साथ या मैच में इसने ऐसे किया ऐसे बताना चाहिए ना कि अगले आप बात भी अपना पॉइंट भी पूरा रख दें सामने और अगले को भी बुरा ना लगे तो ये सोच रखने वाली मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी है लेकिन जिनकी आप बात करें उन तक मैसेज पहुंच जाएगा तो मेरे ख्याल से उनको अपना आप बेचना आता है अपनी ज़ुबान उनको ना जो बोलते हैं ना उनको बेचनी आती है कि मार्केट में मीडिया पे कैसे रहनी चाहिए आपको कैसे कभी, भी आपको नहीं कभी किसी ने कहा कि आप भी इसी तरह करें व्यूज़ आएंगे लोग देखेंगे <laughs> नहीं मुझे कहते बहुत हैं लेकिन मेरी एक अपनी सोच है मेरा अपना माइंड है कि मैंने कैसे लेके चलना जैसे बात की मैंने कल को मिलना भी होता है सामने मैंने भी जाना होता है हाँ ज़रूर मैं करता ज़रूर हूँ ले अपने अपनी तरफ से जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ कि ऐसी बात करूँ कि अगले का दिल ना दुखे जैसे आपने मेरे मतलब जैसे आपने बात की है तो ऐसी बात करूँ कि कल को मैं उसके सामने भी जा सकूँ मिल मिल भी सकूँ कि ये ना कि वो सामने आए तो मैं छुपता फिरूँ ऐसी किसी चीज़ को नहीं ये एहसास होता ना आ, बस ऐसे ही हर पांचों उंगलियां एक बराबर थोड़ी ना होती है तो इसलिए उस हिसाब से चलते हैं और अपने व्यूज़ हैं हर किसी के जितने भी आपने स्कोर किए हुए हैं अगेंस्ट इंडिया अभी आप बता रहे थे ना उस टाइम पे डिड यू थिंक एट दैट टाइम कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ 1200 सौ से ज़्यादा रनस करेंगे क्रॉस फॉर्मेट इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी हर फॉर्मेट में और ज़ाहिर प्यार तो अपनी जगह लेकिन बड़े इंडियन फैंस को नाराज़ भी आपने किया है फिर बहुत ज़्यादा नहीं मैंने नाराज़ किसी को भी नहीं किया बस कोशिश की है अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करने की और मौका मिला और जैसे मेरा कम हुआ 2002 में मैं खेला हूँ ड्रॉप हो गया फिर उसके बाद जैसे मैंने स्ट्रगल की है मुझे पता चला कि सिर्फ एम ये नहीं है कि खेलना है सिर्फ मजा उसी में है कि आप एटलीस्ट इतनी क्रिकेट खेल लें कि आपकी पहचान बने एक फ़ायदा नहीं है दो चार मैच खेलनी हैं तो आप टीम से बाहर हो गए एक लेबल लग गया पाकिस्तान का टेस्ट प्लेयर्स का वो वो फिर आप लाइफ और इन्जॉय नहीं कर सकेंगे तो बस आ, सीखा और आ, कोशिश की है कि अब कम करना तो टीम से निकलना नहीं है लंबे लंबी, लंबी क्रिकेट खेलनी है तो ऐसे ये सोच के साथ खेले या फिर उसके बाद जैसी परफॉर्मेंस हुई है अल्लाह का शुक्र है आपने कीपिंग uh, की बातें बताई हैं स्टार्ट मैंने कहा ना बताए ना कि पाकिस्तान का मैं पहला विकेट कीपर हूँ जिसने ओ में हंड्रेड किया हुआ है yes. क्रिकेट हिस्ट्री में yes. मेरे से पहले किसी ने नहीं किया हुआ है क्रिकेट हिस्ट्री में एज विकेट कीपर किसी के इतने हंड्रेड नहीं है अभी तक मुझे दस साल, साल से हो गए तेरह साल हो गए हुए लास्ट टेस्ट मैच खेले हुए लॉर्ड्स में दो में तो अभी तक किसी के टेस्ट मैचेस में मेरे से ज्यादा हंड्रेड नहीं है वनडे में मेरे से ज्यादा हंड्रेड नहीं है तो बाय स्टैट्स यू आर मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर मैं sport. ये आप कहें मैं नहीं मैं right कह सकता हूँ मेरे राइट right जो खेल रहा होता है वो कर रहा होता है लेकिन ये है कि मैं एक बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इतनी एबिलिटी दी है इतनी परफॉर्मेंस करवाई है तो मैं इतनी क्रिकेट खेल रहा हूँ ये जो बातें करते हैं ना ये पहले अपने गिरेबान में देखें कि आप किसके मतलब बात कर रहे हैं आप खुद क्या आपको तो कोई साथ हमसे नहीं जानता तो ये बात मेरे मुतल कर रहे होते हैं तो आ, ये सोचना हाँ, बात, बात कर रहे हैं या आप बात करेंगे यूनस खान के कि ये क्या खेलता था ये क्या करता था जिसने एक मैच खेला हो या डोमेस्टिक मैच खेले हो तो वो बातें अब यूनस खान को तो वो तो फिर बुरा लगेगा ना बुरा तो, लगे हाँ। तो लगेगा अच्छा अभी हम इंडिया के ऊपर बात कर रहे थे मैं थोड़ा सा उस टॉपिक के ऊपर और आपकी अभी तो आप बड़ा बाई नेचर काम आना चाह रही है ना बेंगलुरु पे गौतम पे और ईशान शर्मा पे वो भी मुझे पता है आप कैमरे भाई बहुत थक गए होंगे इसका जवाब दे दे के लेकिन आई स्टिल वांट टू नो क्योंकि आपकी ना ऑफ द फील्ड आपकी पर्सनालिटी बड़ी आ, अप्रोचेबल फ्रेंडली और पॉजिटिव है तो हीट ऑफ द मोमेंट में आई एम श्योर हो जाता है लेकिन फिर भी जरा रिकॉल करें उसको क्या हुआ था उस दिन गौतम गंभीर गौतम के साथ तो एशिया कप का मैच था और आपके सईद अजमल भाई बॉलिंग कर रहे थे <laughs> नहीं, 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 नहीं। <laughs> मेरे सईद <सही> अजमल भाई <laughs> उसने लास्ट लास्ट बॉल था हाँ। और दूसरा किया था तो गौतम कट मारने गया तो कॉट भी एंड हुआ तो अंपायर ने नट आउट दे दिया तो उसने ज़रा ज़रा अग्रेसिव भी है वो अपने आप को कई मरतबा बैटिंग के टाइम बोल रहा होता है मैं आपको बात बताऊं बड़ा अच्छा लड़का है और हम लोग टीम के साथ भी रहे हैं बड़ा अच्छा दोस्त भी है टोटली मिस हुई थी जिसकी वजह से वो बहस हुई है उसने गाली गाली दी दी थी अपने आपको। अपने आप आप को को कुछ बोला था तो मैंने समझा कोई है मुझे तो अच्छा। इसलिए वो बात हुई थी ओके। तो ये बात थी बाकी वो हम अच्छा वो ड्रिंक्स ब्रेक में हुई थी उन्होंने ब्रेक में सिर्फ ऐट चल रहे होते हैं एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही होती है ग्राउंड में प्लेयर्स क्या कर रहा है क्या नहीं अगर ऐसी चीज़ होती तो शायद भाई कभी फैसला बाद ना पकड़े जाते <laughs> जो उन्होंने विकेट में किया <laughs> तो इसलिए ये ये गलत चीज़ है जो आप, आप देखें तो लेकिन ये है कि वो ऐसे ही था बस मिसअंडरस्टैंडिंग मैं बोलूँगा लेकिन ईशांत वाली।, वाली उसने गाली दी थी उसने एक दी थी उसको कोई बीस पड़ी है हाँ मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ और उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी अहमदाबाद हम लोग जा रहे थे टी ट्वेंटी का मैच था तो ऐसे ही हम लोग आगे वाली सीट पे विराट मैं श्वेम मलिक हफीज़ सारे बैठे हुए थे तो ऐसे ही उसने बात हुई कि हुआ क्या था इतनी लड़ाई इतनी गाली है तो उसने कहा कि बस मैंने बॉल की है तो बस मैंने वो गाली मैं कह नहीं सकता उसने दी कहता मैंने ऐसे कह दिया तो फिर सब ने कहा तुम्हें फिर सही गाली पड़ी <laughs> तो यही चीज़ है तो लेकिन ये है कि वो बस तो, वो थोड़ी सीरियस हुई थी फिर वो तो खैर धोनी कप्तान इतना तो। उसने फिर रह, रहना आ गया था उनको भी पता था कि किसने किसकी गलती है तो इसलिए उन्होंने ज़रा काम ठीक कर दिया था नहीं तो मज़ीद बढ़ जानी थी मुझे लग रहा था कि मुझे कोई दो मैचों का बैन हो जाना अच्छा। था को कोई पाँच के को मैचों की ना मैच फीस मेरी चली जानी थी <laughs> वो पूरे टूर की चली जानी थी अगर मजीद बढ़ जाती लेकिन यह है कि वो थोड़ी सीरियस हुई थी बाकी गौतम के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी फिर बाद में इसके साथ भी बड़ा रिलैक्स रहे हैं पूरा टूर बड़ा मजे कर रहा है कभी ऐसी बात नहीं हुई लेकिन प्रेशर ग्राउंड में जब चले जाते थे ना अब मैं बयान नहीं कर सकता कि इतना प्रेशर होता था कि क्या होगा कैसी परफॉर्मेंस हो होगी ये चीज़ें माइंड में चल रही होती थी फिर चल रही होती थी कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा इन मैचेस में वो उसका नाम कहाँ से कहाँ चला जाएगा तो उस सीरीज में आप देखें कि नासर जमशेद का नाम कहाँ से कहाँ चला गया था कैसे उसने परफॉर्मेंस दी थी तो इन मैच का ये बड़ा फायदा होता फायदा था कि बड़ी टीम के साथ खेले था अच्छा बिहाइंड बिहड रह के ना आपका क्योंकि डिफरेंट टाइप के आपकी प्रेजेंस थी आप बहुत वोकल होते थे आप शाबाशी भी देते थे तो आवाज़ आती थी या कभी कोई बॉल गलत हो रही है तो आप गाइड भी करते थे लेकिन इस तरह की सिचुएशन में इस तरह लड़ाई हो गई आपने बताया धोनी का भी आपने नाम लिया उनसे ज़्यादा काम और कम्पोज कैप्टन जो है हमने शायद विकेट्स के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं देखा आप वैसे बताएं अपने जो आपने टाइम शेयर किया है महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्या सीखने को मिला उनसे एज़ अ फेलो प्लेयर बि बिहाइंड द स्टंप्स देखिए बड़ा काम था जैसे आपने बताया वो तो किसी को भी शक नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ करे जिससे बैट्समैन तंग हो रहा हो वो अपने काम से काम रखता था वो ए टीम के साथ भी हम लोग खेले हैं तो उस वक्त भी यही था उसने उस टाइम भी पाकिस्तान टीम को किनिया में बड़ा फेंटा दिया फाइनल जीत गए थे गौतम भी उसमें था हम लोग इकट्ठे ही होते थे लेकिन बड़ा ज़बरदस्त बड़ा ज़बरदस्त इंसान है प्लानर बड़ा ज़बरदस्त है जो एक कप्तान में क्वालिटी होनी चाहिए ना वो सारी चीज़ें उसमें हैं और जैसे प्लेयर्स बनाना Uh, मैच को कैसे लेके जाना उसकी जो कैप्टनसी के डिसी है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता और मेरे ख्याल से हर किसी को उसकी कैप्टेंसी देखनी चाहिए चाहे वो यंग बच्चा हो जो जो फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है जो कोई भी कप्तान है जो यंग है डोमेस्टिक है या हमारे बाबर आजम है जैसे जो बेस्ट कप्तान है उनमें से एम एस धोनी आता है देखना चाहिए उसकी कैप्टेंसी क्या थी क्या उसकी थॉट क्या थी मैच को कैसे रीड करता था बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करता था अपने बेस्ट बॉलर्स को चार बॉलरों के साथ वो खेलता था और चार बॉलरों के साथ वो वर्ल्ड कप जीत गया पांचवें को टेंडुलकर सहवाग और युवराज को यूज़ करता था तो इससे क्लेवर कप्तान नहीं हो सकता और नो डाउट उसकी जो परफॉरमेंस है जो एस विकेटकीपर है जो एज एज अ बैट्समैन भी वो टीम में खेल सकता है फिफ्टी प्लस की एवरेज है इतनी लंबी क्रिकेट इतने इवेंट वो जीत गया सब कुछ ही वो आईसीसी इवेंट जीत के चला गया तो बेस्ट बेस है, तो, तो है, तो, है वो कामयाब कप्तान है तो इतना अरसा रहा है और टीम बना के गया देखिए फिर आईपीएल में उनकी लगातार सक्सेसस जो है सब पांच مرتبہ जीत गए अभी भी लास्ट जीते तो वो उसका तो वो मेरे ख्याल से टॉप टू या थ्री कप्तान निकाल लेंगे उनमें से आएगा वो, वो ऐसी no उसकी अचीवमेंट है फिर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये प्लेस जो आए हैं ना ये ऐसे नहीं आ गए उनकी पॉलिसी देखे सारा गी की स्टार्ट हुई है उसने टीम बनानी शुरू की है ये प्लेयर्स लेके आया युवराज जहीर खान सहवाग एम एस धोनी कैफ गौतम भज्जी भज्जी आप देखेंगे ये उसने एक माइंड सेट चेंज किया इंडियन क्रिकेट का और ये वो टाइम था जब इंडिया की बॉलिंग खास तौर पर उनकी फास्ट बॉलिंग इतनी वर्ल्ड क्लास नहीं सिर्फ दो बॉलरों पर जहीर खान की भी कभी आप देखेंगे जहीर खान से पहले या दो बॉलरों पे खेल रहे होते थे कुम्बले और श्रीनाथ पे इंडियन टीम उसके बाद देखें उनकी बॉलिंग में देखें डेप्थ कितनी आ गई है स्पिनर्स देखें देखे, फास्ट बॉलर देखें जहीर खान टॉप का बॉलर वो टीम बना आ ना, नहीं ने। पॉलिसी चेंज की है माइंड चेंज की है जैसे अब अब हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं ना हर फॉर्मेट की कि उन्होंने क्या क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है देखें वो मॉर्गन को क्रेडिट जाता है जो उसने माइंड सेट लेके आया ऐसे गंगोली को क्रेडिट जाता है इंडियन क्रिकेट अगर रूज पे गई या टॉप लेवल पे गई है प्लेयर्स बने हैं वो साराफ गंगोली को क्रेडिट जाता है उसके बाद फिर जो जो भी कप्तान बना इस पॉलिसी को ले कर चले हैं कुंबले बना ड्राइवर बना लम्बा अरसा नहीं रहे फिर धोनी ने उस चीज़ को एक्सटेंड किया तो यही चीज़ है कि कामयाबी और क्रिकेट ऊपर लेके जानी टॉप लेवल पे लेके जानी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो भी कोई ऐसा आता है वो पहले अपना सोचता है हमारी क्रिकेट का लेवल इसलिए नीचे गया वो पहले अपना सोचता है मैं सेट हो जाऊँ प्लेयर्स जाए बाढ़ में टीम जाए बाढ़ में मेरी परफॉर्मेंस हो जाए टीम जीते या हारे कोई चक्कर नहीं मेरी परफॉर्मेंस हो जाए मैं सेट हो जाऊँ उसके बाद मैं देखता हूँ प्लेयर्स कौन से रखने जिस प्लेयर से डर रहोगा कि ये रहेगा टीम में तो मेरी बैटिंग एक्सपोज हो जाएगी तो फिर आप कभी अपनी टीम ऊपर नहीं लेके जा सकते ये आप अभी की टीम की नहीं, नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो दो हज़ार माशाला के बाद 13 के बाद काम शुरू किया है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में वो सारा नज़र आता है किस मैंटैलिटी के साथ लेके गए हैं मैंने कोई को, चौदह पंद्रह साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है कोई ऐसे नहीं खेली सबका पता क्या माइंड सेट है क्या नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ अच्छा, तो यहाँ पेटअप तो... की आपने बात की है क्योंकि सेटअप में तो नाम बदलते रहते हैं लेकिन एक जो डिबेट का, काफी काफ़ी कॉमन होती है वो ये होती है कि कोच फ़ॉरन होगा या लोकल होगा आपका इसमें क्या ख्याल है इससे फ़र्क पड़ता है कि कोच बाहर से आ रहा है या अपने सेटअप में से एक प्लेयर को आके कोच बनना चाहिए देखिए अपने सेटअप में भी बनना चाहिए हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बड़े बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने हुए टॉप लेवल पर खेले हुए हैं मशवरे सारे देते हैं बाहर बैठ के जितने प्लेयर्स हैं आप क्यों नहीं आते बीच में क्यों नहीं आप कहते हैं कि हमें दें टीम हम बनाते हैं हम करते हैं इस टीम को टेक ओवर करते हैं हम देखते हैं कैसे ऊपर नहीं जाएगी इतने मैं नाम तो नहीं लूँगा मीडिया पे बैठ के हम मशवरे दे रहे होते हैं काम कर रहे होते है हैं फॉरनर कोच मैं जितने जितने आए हैं कोच जो मैंने बड़ा अच्छे तरीके से देखा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का एक विज़न था लेके जाना ऊपर प्लेयर्स बनाना कोई एंगल नहीं होता था वो था एक हुँ, बॉब हुँ, एक था जेफ लॉसन ये दो आए थे उनका सिर्फ यही एम था कि क्रिकेट ऊपर जाए टीम बने किसी किसी के साथ पर्सनल कोई इशू नहीं होता था और मैं आपको बताऊं इनकी लड़ाई भी ठीक ठाक हुई है प्लेयरों के साथ लेकिन इन्होंने कभी नेगेटिव चीज़ नहीं उस प्लेयर्स के मतलब सोची कि मैं इसको टीम में नहीं रखने दूँगा इसको नुकसान पहुँचाऊँगा इसकी क्रिकेटिंग लाइफ में ये नहीं होने दिया ग्रेट कोच वही होते हैं अपने इशू ज़रूर डिबेट करें बात करें प्लेयर्स के साथ लेकिन उसकी क्रिकेट में फ़र्क नहीं आना चाहिए जो आए हैं ना कोच उनके अपने एंगल है उनकी अभी तक जो भी जो लोकल कोच भी आए हैं ना उनकी अभी तक जो प्लेइंग डे की शर्ट है ना वो नहीं उतरी मसला ये है वो उसी उसी माइंडसेट के साथ कोचिंग करते हैं उसी माइंडसेट के साथ कोच बने रहे हैं और ऐसे चलाने की कोशिश की है तो उस चीज़ पे थोड़ा अफसोस होता है कि जब आप एक चीज़ छोड़ देते हैं आप कोचिंग में आ जाते हैं तो वो डिफरेंट माइंडसेट हो जाता कैसे लेके चलना कैसे प्लेयर्स को लेके चलना कैसे पैम्पर करना हर हर प्लेयर्स एक कैटेगरी का नहीं होगा जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएगा वैसा ही परफॉर्म करेगा इस चीज़ में मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट नीचे गई है और जो बाहर के भी कोच आए हैं और आप देखेंगे उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बीच में लेके आए हैं स्किल वर्क ख़त्म कर दिया परफॉर्मेंस खत्म कर रिसेंटली बात कर लें लाइक अगर हम एक आर्सर की बात करते हैं सबसे रिसेंट एग्जाम्पल ही वो है माइंड में अभी भी वो एज कोच तो नहीं है टीम के साथ कंसल्टेंट के तौर पर बट ही इज कहीं ना कहीं लगता है कि पर्सनली आपके साथ जो है अनफेयर uh, हुआ था एट द टाइम जब आपको ड्रॉप किया गया था नहीं देखिए मैं इस किसी को ब्लेम नहीं देता ना मैं मिकी को देता ना कि, कि, देता हूँ ये खैर एंड ऑफ प्लेयर्स को तो बाद में पता चलता है पाकिस्तान की क्रिकेट को ज्यादा डैमेज किया जाता है और नो no डाउट मिकी जबरदस्त कोच हो तीन साल उसने गुजारे हैं अचीवमेंट है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीता जो भी उसके एंगल थे जो भी थे वो उसने देखा अपने विजन के साथ वो गए हैं अभी भी जैसे उसको लाया गया ना वो ज़रा अफसोस वाली बात है वो मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट की यही बात आप देख लें कि हम लोग इतने गए गुजरे हुए हैं कि हमने एक दो महीने डिबेट की है उस पर पीसीबी ने वेट किया बेड़ इतना ही हाँ कि वो आ जाए हम ही भर ले हम ही भर ले यार आप इतना किसी कोच के पीछे पड़ जाओ तो वो फिर मैं यही बोलूँगा कि शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी कोचिंग लाने के लिए ऐसा कोचिंग स्टाफ लाने के लिए फिर जब उसने कमिटमेंट की है तो डायरेक्टर बनाया अपनी टीम भेज दिए

अभी रिसेंट अगर हम बात करें इस टेसी वो जो पिछली मैनेजमेंट थी पूरी वो वाली अगर हम बात निकाल दें और सिर्फ इन द लास्ट फोर फाइव मंथ्स जो हमारा पिछला सेटअप था उसके ऊपर बात करें एक uh, नया टर्म हम आजकल सुनने में बल्कि मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ उसके बारे में आपके आप क्या, क्या ख्याल है पहले आप मुझे बताएं नई आजकल की आप क्या चीज़ कहना चाह रही हैं एक नया पॉजिटिव इंटेंट हमें देखने को मिला है इस टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा आप, कि बेहतर रन रेट के साथ बैटिंग अच्छा, की आप थोड़ा आपका साथ ख्याल है रही। इस की इस मैनेजमेंट की वजह से हुई है नहीं

किसी की यहाँ पे अप्रोच नहीं है लड़कों को एहसास हुआ है कि आजकल मॉडर्न डे में ऐसे क्रिकेट खेलेंगे तो कामयाब होंगे पाकिस्तान की टीम डर डर के खेल रही थी जितनी सीरीज़ न्यूज़ीलैंड हमसे वनडे सीरीज़ जीत के चली गई है टी सीरीज़ हमसे बराबर करके चली गई उनकी सी टीम डी टीम उनके आठ से तो प्लेस नहीं। आप, आप 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 कह कह रहे रहे हैं है। आ, तो रहे हैं कि कि तो हमारी एक चेंज हो गई um, है पॉजिटिव तो आपसे जरूर करेंगे आपका जब करियर पीक पे था तब आपके भाई का डेब्यू हुआ उमर अकमल का और बहुत जबरदस्त तरीके से ही और एकदम से वो जिसे कहते हैं ना रॉ टैलेंट मतलब रॉ टैलेंट के तरीके से उन्होंने बैटिंग की उन्होंने अपना एक नाम बनाया एज एन ओल्डर ब्रदर आप उस टाइम पे कितना प्राउड थे कि कोई आपके नक्श कदम पे चला है इस यहाँ तक पहुँचा और अब इतना बड़ा नाम बना रहे अपने लिए रोहम बिलीव में एक परसेंट मैंने सपोर्ट नहीं किया ना सिर्फ क्लब में हम लोग खेलते थे ये सारा क्रेड ना हमारे खेलने का हमारी क्लब को जाता है नुषाद भाई को जाता है और उन्होंने खिलाया और उमर टोटली अपनी मेहनत पे खेला और मुझे तो मैं तो टीम के साथ बिजी होता था मुझे पता भी नहीं होता था कि ये क्या अच्छा। कर रहा है कैसे खेल रहा है लेकिन तो अब वो, वो मुझे बताते थे, थे अच्छा। कि आज उमर खेला है ये अच्छा स्कोर अच्छा। किया है अंडर नाइनटीन में गया वहाँ से मैं बड़ा सरप्राइज हुआ मैं खुश भी हुआ बड़ा कि यार उमर भी अब इस लाइन में आ गया उमर ऑस्ट्रेलिया चला गया वहाँ जा के पता चला वो ऑस्ट्रेलिया जो गया है टीम के साथ वो जा नहीं रहा था क्योंकि उसने डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई थी उसका क्रेड सारा ग्रेड अल्लाह उनको जनरल नसीब करे कादिर साहब को जाता है उस टाइम उन्होंने वो चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने भिजवाया था ज़बरदस्ती भिजवाया था उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं थे वहाँ गया तो उसने तीन सौ कर दिए तो शुब मलिक और हम लोग इकट्ठे खेलते हुए आ रहे हैं तो बैठा हुआ था शुए मलिक तो वो कह रहा था कि उमर ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है तो क्या सोचता है कि आना चाहिए टीम में तो मैंने अल्लाह की कसम आप पूछ सकते हैं शुब मलिक से मैंने उसको कहा था कि मेरी ख्वाहिश नहीं है अभी आए वो टीम के साथ क्योंकि अभी यूनस भाई हैं अच्छा। मिसा है आप खुद दो मिडल ऑर्डर एक स्ट्रॉन्ग है जगह नहीं बने। नहीं बनेगी बने बाहर बैठा रहेगा इससे अच्छा क्रिकेट खेले वो जो मिले आप नहीं कि वो उस टाइम पे टीम उस टाइम पे आए लेकिन बारी साहब चीफ सेलेक्टर थे ऑस्ट्रेलिया में जो भी है टीम जाए कोई लड़का इतनी परफॉर्मेंस दे तो वो ऑटोमेटिकली आएगा तो मेरे वर्ड्स ये थे ये, ये उमर अकमल ने जब आपने उनको बताया की आपने सपोर्ट नहीं किया था उनका टीम में मैंने मैंने कैसे... किसी को भी नहीं किया ये अपनी मेहनत पे आया ना मैंने अदनान की बात किया गुड बुक्स में तो परफॉर्मेंस के साथ आया जाता किसी के कहने पर थोड़ी आता आजकल तो थोड़ी एक डिफरेंट नेचर हो गई है ना कि आपकी गुड बुक में परफॉर्मेंस नहीं काउंट की जाती दूसरी चीज़ें काउंट की जाती कि मिलना जुलना कैसे है टाइम कैसे उसके साथ स्पेंड करते हैं ये चीज़ें चल रही होती हैं ना ये थोड़ी होता है आपके सामने सब कुछ चीज़ें चल रही होती हैं उस टाइम ये था कि मैं मेरे कहने पे नहीं आना था उसे हंड्रेड परसेंट मेरिट आया मेरिट पे आया अपनी परफॉर्मेंस पे आया अदनान भी आया मेरा उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था सिर्फ देखता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं टाइम मिलता था मैं अपनी टीम के साथ बिजी होता था टोटली अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर आए हैं और डोमेस्टिक तो खैर बात की है ना क्लब ने क्रिकेट सेंटर ने हमें ए, इस जगह पर ला के खिलाए हैं हमें मैचज़ दिए हैं उस टाइम तो सीनियर के मैचज़ खेलना बड़ा मुश्किल होता था साल साल दो दो साल क्लब के मैचिज़ वेट करना पड़ता था नए लड़कों का तो हमारी क्लब ने यहाँ तक हमें जाते साथ में उसके बाद उम्र जो आया ना वो तो सुई नॉर्दन गैस को क्रेडिट जाता है मिसपा और हफीज़ को उन्होंने उमर को लिया खिलाया और उसके बाद कुछ ना कुछ देखा उन्होंने उन्हों देखा हाँ। उन्होंने उसके सामने वो क्लब क्रिकेट खेले हैं तो उनको क्रेडिट जाता सुई गैस की मैनेजमेंट को जाता है उमर का और अदनान का सारा क्रैड मुझे नहीं जाता और मेरे ख्याल से उमर को खुद ज़ाहिर है जाते मेहनत उमर अकमल ने खुद की उन्होंने अपने लिए जगह टीम में तो शुभ मलिक खेल रहे और उसके बाद फिर ओपनर सलमान है और बिल्कुल मिडल ऑर्डर एक मिड ऑर्डर तो उसमें आके जगह बनानी इतना ईजी नहीं है तो टोटली उसकी कमिटमेंट लेवल उसका टैलेंट उसका जो प्रोसेस था जैसे मैं खेल रहा हूँ अंडर नाइनटीन तो मैं तो बिल्कुल नहीं खेला उसको तो मौका ही मिला अंडर नाइनटीन खेलने का काफी तो आठ दस मैच खेला हो मैं तो सिर्फ तो तो दो मैच खेला हूँ मैं तो इतना अच्छा नहीं होता था मौका ही नहीं मिलता था मेरे से अच्छे खेल रहे होते थे तो वो तो खेला एक प्रोसेस के साथ आया फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया फिर शाहीन के साथ गया ए टीम के साथ तो वहाँ पे ऐसे आया कि एक शॉर्टकट रास्ते से नहीं आई ये सारे प्लेयर्स जो मेरे भाई हैं या मेरा कजन भी है वो अपनी मेहनत और अपनी परफॉर्मेंस आए हैं बिल्कुल तो अच्छा आप अभी बात कर रहे थे कि हंड्रेड परसेंट अपने मेरिट पे आया था यू वर रिकॉलिंग कि किस तरह आ, कोई अनफेयर सपोर्ट आपका नहीं था उम्र के लिए बट ओवर कोर्स ऑफ हिज करियर आपको दुख तो हुआ होगा जिस तरह कुछ मौके जो हैं वो उसने भी गवाए कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके फेवर में नहीं हो सकी जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल उनका उनका रोल उनका नंबर कभी सेट नहीं हो पाया टीम के अंदर आप जब ये सब कुछ देख रहे थे होता हुआ एज़ एन ओल्डर ब्रदर आप क्या फीलिंग्स होती थी उस टाइम पे और आप क्या उनको गाइड करते थे देखिए गाइड यही करता था कि जो टीम की डिमांड है जिस नंबर पे भी खिला रहे हैं हुँ. आप खेलो लेकिन बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेस के लिए तीन पे स्टार्ट हुआ हो चार पे स्टार्ट हुआ हो छः पे जाना शुरू कर दे एक टाइम पे तो ऐसे आठवें नंबर पे भेजना शुरू कर दिया एज ए पावर हीटिंग उसको पावर क्या कहते हैं बनाना शुरू कर दिया था कि पावर हीटिंग के लिए जैसे लाइक वर्ल्ड कप में 2021 में आसफ़ अली को रखा हुआ था जैसा रोल दिया हुआ था इस टाइप का बनाना ऐसे प्लेयर्स को खैर वो टीम की बात है लेकिन यह है कि डेफ़िनेटली बड़ा अफसोस है दुख भी है कि काफ़ी अर्सा टीम से बाहर है और गलतियाँ अपनी भी होती हैं मैंने ये कहा ना कि कोई प्लेयर ये नहीं कह सकता कि वो बड़ा साफ और अच्छा इंसान है और गलतियाँ हुई हैं पनिश भी मिली है उसको और मिलनी भी चाहिए इस चीज़ पे लेकिन कुछ ज़्यादा ही दे दी है अब अच्छा। उससे पहले आप देखें कि फेलियर टू रिपोर्ट बड़े प्लेयर्स आए हैं मैं नाम नहीं लेता और उनके साथ ट्रीट कैसे किया गया कितना बैन लगाया गया और होना चाहिए चाहे वो एक मिनट का उसने डिले किया और उसको लेकिन पाँच साल बैन लगाना फिर ऐसा कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था पी सी बी ने के, के कुछ नहीं होगा जो जैसे बाकी प्लेयरों का वैसे हम लोग करेंगे उसके साथ मारना मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती है पर्सनल मैं बोलूँगा ना कि इशू हैं फिर आ, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना ये मैंने बात की ना अभी परफॉर्मेंस और काउंट नहीं होती अब दूसरी चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं किसी के लिए क्राइटेरिया फिटनेस है किसी के लिए ये है ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही थी दो हज़ार में और जैसे ले चल रहे थे जो काम करवा रहे थे सबका पता लेकिन खैर क्या कह सकते हैं लेकिन मौका उम्र ने ख़ुद भी दिया मैं ये बोलूँगा मैं ये नहीं बोलूँगा कि उम्र सही था उम्र से भी गलतियाँ है हुई हैं लेकिन आ, कम कर सकते थे पहले मैंने जैसे बात की थी ना आपको कि सीनियर प्लेयर्स का मुझे भी पता है हम लोग भी उनके साथ रहे हैं उनको मेरा भी पता है तो वो बड़े स्मूथली ले चलते थे और जैसे मैं बॉब की मैंने मिसाल दी है तो कोच है उसकी भी बड़ी लड़ाइयाँ रही हैं बड़े सीनियर प्लेयरों के साथ मैनेजमेंट के साथ लेकिन उसने क्रिकेटिंग लाइफ नहीं खराब होने दी प्लेयर्स की उम्र आपको तो लगता है उम्र की लाइफ जो है वो उम्र के देखें वो पर्सनल ले गए और मैंने कहा ना कि जो प्लेयर्स थे कुछ सीनियर थे कुछ जो कोच बने हुए थे उनकी ईगो वही थी जैसे वो खेल रहे हैं तो उस इस, उस चक्कर में ना अपने आप को बचाने के चक्करों में कई क्रिकेटरों का नुकसान कर गए हैं तो वो मेरे ख्याल से कोई उम्मीद भी नजर आ रही है आपको देखे जैसे मैंने पहले बात की आपने उम्र का पूछा मैंने सपोर्ट की है तो मैंने क्या कहा कि परफॉर्मेंस है सबसे बड़ी बात बिल्कुल परफॉर्मेंस करेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम है किसी के घर की टीम तो है नहीं है कि जो वो सोचेगा वही होगा और परफॉर्मेंस दे खेले उसके बाद जो मैनेजमेंट समझती है टीम समझती है तो आ जाएगा नहीं तो खेलता रहेगा और क्या करेंगे जो जो भी क्रिकेट मिलेगी उसमें अपना कमिटमेंट लेवल बेहतर करे अपने आप को और ज़्यादा थोड़ा सा लीन करे और फोकस जैसे अभी किया हुआ दो चार सालों में ठीक है बड़ी क्रिकेट उसको मिली नहीं है परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में इतनी अच्छी हुई नहीं है लेकिन जितना भी खेला अभी पाकिस्तान कप में जैसे परफॉर्मेंस दी है अगर यही परफॉर्मेंस किसी और ने दी होती ना तो वो ऐसे हाथों पे उठाना था तो अभी माइंडसेट वही चल रहा है उम्र के मतलब सोच वही चल रही है जो पहले चल रही है ऐसे ही हुआ वह तो उसको अपना अब, अब चेंज किया मेहनत कर रहा है। तो अब सीजन आएगा उसमें खेले परफॉर्मेंस दे जो पहले मेरा वर्ड था आपको मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस है सबसे बड़ी बात तो वो करे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा टीम में अगर टीम मैनेजमेंट समझती है तो अगर उनके एंगल ना हो तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट की बात करें जब आपको रिटायरमेंट से पहले जब आपको टीम से ड्रॉप किया गया डोमेस्टिक में तो आपकी लगातार सीज़न बाय सीज़न हमने देखा है पीएसएल देख लें या फर्स्ट क्लास देख लें लेकिन आपको उस टाइम पे जब टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया टेस्ट नहीं नेशनल टीम से ड्रॉप किया गया एंड यू गेव अ स्टेटमेंट के मैं और क्या करूं और वो बहुत सारे लोगों के दिल पे वो हमने हमें अभी तक याद है कि लॉट ऑफ पीपल फेल्ट सॉरी फॉर यू कि वही बात है ना अभी भी आप वही मसलसल बार बार वही बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में कर रहे हैं कर रहे हैं करें उस टाइम पे आपके दिल पे क्या गुजर रही थी जब आपको विदाउट एनी सॉलिड रीजनिंग ड्रॉप कर दिया गया और आपके लिए वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया कि अच्छा अब ये नहीं है फॉर वट एवर रीज़न देखे मैंने कहा ना हर कोच आता है हर चीफ सेलेक्टर आता है अपने अपने माइंड के साथ चल रहा होता है कप्तान अपने माइंड के साथ चल रहा होता है तो ये चीज़ें लाइफ का हिस्सा है और इसमें मेरे ख्याल से इतना सोचने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की टीम है उस टाइम सरफराज सेट हो गया था कप्तान भी बन गया था तो इसलिए थोड़ा सा मुझे समझ आ गई थी कि अब टीम में जगह बननी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि सरफराज ने परफॉर्मेंस दी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मैं क्या नाम है नहीं इसलिए टीम से ड्रॉप हुआ जो मुझे कम भी करवाया गया था वो मजबूरी के तहत करवाया गया था अच्छा। आप ये ना सोचें कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे लिया गया था मजबूरी ये हुई थी कि पीएसएल में जो शर्जील और खालिल लतीफ़ बेचारे फंस गए थे वो दोनों रेगुलर ओपनर थे वाइट बॉल क्रिकेट में वो बाहर हुए हैं तो वो मुझे लेके गए हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तो उसके बाद देख लें फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में कौन गया कौन नहीं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा स्कोर था लेकिन मैं वही अपनी एनर्जी के साथ वही अप्रोच के साथ खेला जो मैं हमेशा खेलता हुआ आया बाकी कोच की अपनी मर्जी है सेलेक्टरों की अपनी मर्जी है क्या कह सकते हैं लेकिन यह है कि किसी को मैं ब्लेम नहीं देता और you think एज जो है ये इस मॉडर्न डे क्रिकेट में एज बहुत ज़्यादा दिया इम्पोर्टेंस पहले दी जाती थी अब जो है हमारे सामने है एंडरसन का एग्जांपल है मिसाउल हक का एग्जांपल है आपको लगता है एज वाकई मैटर करती है मॉडर्न क्रिकेट में आज देखिए एज बस वो काम ऐसा शुरू कर दिया है ना मसला ये है ना और काम उन्होंने शुरू किया मैं क्या इतनी बोलू मरतबा नाम ले लिया है और बता दिया नाम तो नहीं लिया लेकिन उनकी नाम आप, ले <laughs> आप चाह रही कि मेरे घर सारे मुझे उनका एक था उन्होंने चलाना शुरू कर दिया था जब आप सीनियर प्लेयर्स को निकालना शुरू किया है ना तो उन्होंने काम शुरू कर दिया ये बात करनी शुरू कर दी है तो जिसकी वजह से ये बातें शुरू हो गई हैं और ये सिर्फ जो बात अब मैं क्या बोलूं लेकिन आजकल के मॉडर्न डे में मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझता ये सिर्फ नंबर्स हैं सिर्फ हाँ जी ये आपकी परफॉर्मेंस और फिटनेस हो तो सब कुछ चीज़ें आसान जाती है।, है।, है और ये रिसेंटली आप देख लें जिमी एंडरसन की बात कर लें खेल रहा है अभी और मिसबात जितनी जितना अरसा खेल रहा है एम एस धोनी की आप देख लें ठीक है उसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया है आईपीएल अभी भी उनका डोमेस्टिक जो सिस्टम है आई पी है वो उससे काम ले रहे हैं ना वो खेल तो रहा है साथ प्लेयर भी बना के दे रहा है ना तो यही एक सीनियर प्लेयर्स की वैल्यू का पता चलता है जब वो

जितना भी पी एस एल खेल रहा हूँ जलमी की तरफ से सारे सीजन खेल रहा हूँ लेकिन जो बात कह रहे हैं ना आप देखें यहाँ पे अफसोस ये होता है कि चले इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपने अपना मंजन भेज लिया होता है एज को ले के और कोई मैनेजमेंट के बंदे होते हैं टीम के कुछ प्लेयर्स होते हैं वो उसके बाद फिर कह रहे होते हैं फिर ये काम सारा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आ गया अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देख लें एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट की तबाही कर दी जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी रीजनल क्रिकेट ख़त्म कर दी उसके बाद छः टीमें बना ली छः टीमें बनाने के बाद आपने सारे प्लेयरों को साइड कर दिया तो इसी वजह से किया ना कि सीनियर हैं, यंग प्लेयरों को खेलने दें तो खेलने दे रहे हैं ना क्या मुझे सीनियर प्लेयर्स को अगर हम पी से निकाल दें जो स्टैट्स हैं तो पीछे कौन रह जाएगा फिर देखिए ऐसे ही है फिफ्थ मोस्ट uh, आपके रन है पी एस एल में ना, लेकिन अब है ना दो साल से खेल भी नहीं ना रहा लेकिन खैर जितना भी खेल रहा हूँ बड़ा मज़ा आया बड़ा इंजॉय किया जलमी ने बड़ा सपोर्ट किया मैंने कहा ना आ, अच्छे बुरे टाइम का उस वक्त पता चलता है प्लेयर्स को जब मैनेजमेंट किस टाइम पे उनके साथ, होती, साथ है। होती है तो मेरे साथ हमेशा मैनेजमेंट मेरे साथ रही है और अकरम भाई फिर ऑनर जो है जावेद भाई मैं आपको बात बताऊं कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया सिलेक्शन पॉलिसी में कभी उन्होंने लड़कों से बात नहीं की इस तरफ से हमेशा कॉन्फिडेंस ही दिया प्लेयरों को कि आज न, आज नहीं हुआ तो कल से तो ऐसे ये चीज़ें चीजेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर प्लेयर्स के लिए अच्छा आप अब क्योंकि रिटायरमेंट अब आप अपनी इंजॉय कर रहे हैं लीग क्रिकेट में तो हम आपको काफी सालों से देख रहे हैं आप से मैं पूछना भूल गई शेन वॉन के अंडर आप खेले हैं और वो एक ऐसे लेजेंड है जिनके बारे में जब भी आप क्रिकेट के ग्रेट्स के बारे में बात करेंगे तो शेन वॉन का नाम ज़रूर आएगा कैसा था वो एक्सपीरियंस प्लेइंग विद हिम बड़ा ज़बरदस्त था और मैं खेला हूँ जब टूर्नामेंट ख़त्म हुआ आई जीत भी गए तो मैंने ये सोचा कि यार ये क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बना और इतना क्लेवर और मैच को रीड कर, कर लेता था कि क्या मैच पे होने लगा क्या इन्वायरमेंट है टीम ओपनर क्या उनके पास प्लान हैं वो क्या करना चाह रही है एक ओवर होता था बैट्समैन को रीड कर लेता था कि ये अब बैट्समैन खेलने क्या जा रहा है ऐसा बॉलर था खुद भी जब बॉलिंग करता था और कैप्टनसी में तो मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल था तो अगर वो कप्तान बनता ऑस्ट्रेलियन टीम का मेरे ख्याल से टॉप कप्तानों में होना था वो ऐसी कैप्टनसी थी उसकी उसका माइंड सेट था एक समझ लें आप कंप्यूटर था वो मैच को ले कर ऐसे चल रहा होता था तो वो बड़े बड़े मैच हम लोगों ने जीते हैं बड़े हाई स्कोरिंग मैच चेज़ किए हैं और जो उसकी बॉलिंग की जो मैंने कीपिंग की है ना वो मैं बयान नहीं कर हाईलाइट आपके करियर का बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग बॉलर क्या मैं कहता हूँ ऐसे बॉलर लेग स्पिनर कम ही आएंगे जी आगे आने वाले हमारे से पहले ग्रेट कादर भाई थे उनको ही सब कहते थे शेन मोहन खुद उनका नाम लेता था बड़ा तो उनके बाद जो अभी तक मेरे ख्याल से उस लेवल का कोई बंदा नहीं आएगा जो नहीं अभी, तक। अभी तक बनेगा भी नहीं जो उसकी अप्रोच मुश्क बहुत मुश्किल है और क्या ज़बरदस्त इंसान भी था प्लेयर्स टीम को और पूरा ड्रेस रूम का माहौल इन्वामेंट बड़ा ज़बरदस्त वो रखता था मैम थैंक यू सो मच आपने अपना इतना टाइम निकाला और अपनी सारी मेमोरीज एक्सपीरियंसेस uh, सब कुछ शेयर किया अभी पूरा किया नहीं नेक्स्ट टाइम करूँगा अब आपका वादा है <laughs> फिर से अल्ट्राइज में आ पाएंगे थैंक यू सो मच आप, so आप सबका भी बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग आई होप यू इंजॉयड दिस वन और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए बाय